आई होप आप सब लोग घर पे ठीक हो, अच्छे हो, खुश हो। मैं हूँ आपके दोस्त कार्टून कार वाला, आज फिर काफ़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास टाटा की ब्रांड न्यू कर्व। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है कर्व डॉट ईवी और उस तरफ खड़ी है कर्व का ICE वर्जन। एक पे लगा हुआ है टाटा का लोगो और एक के ऊपर लिखा हुआ है पीछे ईवी। और यहाँ पे चार बटन दिए, बूट ओपनिंग के, लॉक अनलॉक और फॉलो मी होम हेडलैम्प के, ठीक है। और यहाँ पे अब जो ICE वर्जन होगा ना पेट्रोल डीजल वाला, उसमें आपको टाटा का लोगो मिलेगा और जो ईवी वर्जन है उसमें ईवी लिखा हुआ मिलेगा। एंड मैं सच बताऊँ ये काफ़ी प्रीमियम लग रही है देखने में और काफ़ी प्यारी। और यहाँ पे भी टाटा ने जो डॉट दिए ना, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो पतले पतले डॉट, तो ये ब्रेल सिस्टम दिया है कि जो लोग देख नहीं सकते वो हाथों से महसूस करके पता लगा लेंगे कि लॉक का बटन है या डिक्की का है या फिर अनलॉक का। तो काफ़ी अच्छा एक पर्सपेक्टिव टाटा ने दिया है, एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की जो मेरे सामने खड़ी है, तो आप देख पा रहे हो ये खड़ी है एम्पावर्ड प्लस ए, तो ये बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट अडास लेवल 2 वाला खड़ा है मेरे सामने। और इस तरफ भी अगर आप देख रहे हो तो टाटा कर्व का बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है, पर ये पेट्रोल या डीजल वाली में से कोई खड़ी हुई है। यहाँ से एक कंपैरिजन जो आपको दिखेगा वो है अलॉय व्हील का डिज़ाइन। एज यू कैन सी, ये इसका अलॉय व्हील का डिज़ाइन है और इस तरफ आपको ऐसा अलॉय व्हील देखने को मिलेगा 18 इंच का विद एरो इंसर्ट। ये एरो डायनेमिक को इंक्रीज करता है और सच बताऊँ ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं रियल लाइफ में। और शुरू में ना फोटोज में देख के लग रहा था कि कार के साइज के हिसाब से टायर छोटे हैं, पर रियलिटी में आगे जब आप देखोगे ना और नेक्सोन वगैरह या पंच के साथ जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा काफ़ी बड़े टायर यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं कंपनी ने। 18 इंच यार कोई मजाक नहीं है, 18 इंच के टायर आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड करे हैं, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। साइड से यहाँ से दिल जीत लिया गाड़ी ने सब लोगों का, क्योंकि पूरी यहाँ से आपको लैम्बोर्गिनी उरुस लगने वाली है गाड़ी। अभी मैं आपको लाइटें वाइटें सब दिखाऊंगा इसकी, आइए अनलॉक करते हैं इसको। देखिए आप, ये इसका वेलकम फीचर है और ये अनलॉक करूंगा तो कुछ इस तरह का वेलकम फीचर आपको देखने को मिलता है। फुल रनिंग आपको कंटिन्यू में LED DRL, थोड़ा थोड़ा आपको टाटा नेक्सोन की याद दिलाएगी। नीचे की तरफ जो हेडलैम्प का यूनिट है ना, पूरा इन्होंने हैरियर वाला दे दिया, हैरियर और सफारी वाला। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि नेक्सोन में से उठाया तो नेक्सोन में ये नहीं आता है, ये हैरियर और सफारी में आता है। नीचे फोग लैम्प भी प्रोवाइड करें और हेडलैम्प भी प्रोवाइड करें। इसमें लो बीम हाई बीम आपको इसमें मिलेगी प्रोजेक्टर में, और नीचे आपके फोग लैम्प है विद कॉर्नरिंग फीचर के साथ। ये इनका टाटा का फ्लैगशिप कलर है जो नया लॉन्च करा कर्व ईवी के लिए, कर्व डॉट ईवी के लिए, वो है वर्चुअल सनराइज। और मैं आपको इसका बोनेट खोल के दिखा देता हूँ। काफ़ी हैवी है पर फिर भी ठीक है, ये इसका बोनेट है गाड़ी का। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा यहाँ पे इंजन बे देखने को मिल जाता है, इंजन बे नहीं बोलूँगा, अच्छा ये आप देख रहे हो स्पीकर, इसमें से आवाज़ आ रही है। ये हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि गाड़ी अभी स्टार्ट खड़ी है, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, कोई भी आगे अगर चल रहा होगा। और यहाँ आपको मिल जाता है इस गाड़ी का 11.6 लीटर का फ्रंक, जिसमें आप अपने कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हो। एज यू कैन सी अच्छा खासा डीप, आप कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने सिलिकॉन फिनिश दी है, ताकि आप कुछ भी रखो तो स्लिप होके इधर उधर टकराए ना, आप कुछ भी रख सकते हो, मोबाइल वगैरह, चार्जिंग इक्विपमेंट कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे आप, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ दे दी। कार की लुक्स की बात करूँ ना, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी बल्कि लुक आपको देखने को मिल जाता है। हाँ ये बात सच है कि नेक्सोन जैसी रिजेम्बलेंस आती है, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ काफ़ी बल्कि लुक है। अगर आगे से आप देख पा रहे हो काफ़ी प्यारी लग रही है गाड़ी, काफ़ी बल्कि और बड़ी बड़ी, कहीं ना कहीं बड़े टायरों की वजह से। और आगे से इन्होंने जो हेडलाइट का डिज़ाइन है वो ले लिया टाटा हैरियर और टाटा सफारी में से। एज यू कैन सी एग्जैक्ट ये वाला जो हेडलाइट का आप यूनिट देख पा रहे हो ना हैरियर के अंदर, वही सेम यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उस वजह से कार आगे से कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी और बल्कि देखने को लगती है। दो पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, और ये टाटा के लोगों के अंदर ही आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, जिसे इस बार अब हाथों से आपको नहीं खोलना, ये इलेक्ट्रिक है, अंदर से बटन से ही ऑन ऑफ हो जाएगा रहेगा, ये बटन से आप क्लोज या ओपन कर सकते हो इसको। अभी खुल गया, ऐसे ये बंद भी हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो यहाँ पर आपको वर्किंग एयर वेंट भी मिलते हैं एरोडायनेमिक्स को इंक्रीज करने के लिए। एज यू कैन सी उधर से आपको दिख पा रहा होगा, दोनों तरफ मिलते हैं। फ्रंट में क्रोम का यूज़ किया गया ग्रिल के अंदर, और यहाँ से काफ़ी प्यारी लुक आ रही है, कार की काफ़ी ग्रैंड लग रही है देखने से। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग देखने को मिलती है, और वो भी ऐसे नहीं कि वहाँ से शुरू हो वहीं ख़त्म, वहाँ से शुरू हो पूरी कार में कंटिन्यू चल रही है, और ये पूरी कार में कंटिन्यू आपको चलती हुई दिखेगी। और ये क्लैडिंग काफ़ी प्यारी लग रही है, कई लोगों ने कहा कि ये मैट में होनी चाहिए थी। अरे भैया जब मैट देती है कंपनी तो हम लोग जाके पियानो ब्लैक करवा लेते हैं। अब पियानो ब्लैक दी है
तो आप मैट की बात क्यों कर रहे हो? ये कार थार नहीं है, ये कर्व ईवी है, ये इलेक्ट्रिक अर्बन जंगल में चलने के लिए गाड़ी बनी है यार। शहर में चलाओ, हाईवे पर भगाओ, आपको क्यों लेके जानी है ऑफ रोडिंग करने? अदरवाइज लुक इसकी एसयूवी वाली दी है, तो एसयूवी का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। भगाओ गाड़ी को हाईवे पे। और ये मैट में नहीं अच्छा लगता, इसमें काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगी फ्रंट में भी रियर में भी। और क्या बढ़िया टायर यहाँ पे गुडियर के टायर प्रोवाइड करे हैं 18 इंच के, जिसकी आपको प्रोफाइल बताऊँ तो 215/55R18 इंच। देखे ना टाटा को यहाँ पे बिग थम्स अप, सैल्यूट टू टाटा। हाई राइडर जैसी गाड़ी, क्रेटा जैसी गाड़ी, सेल्टोस जैसी गाड़ी में भी ये देखने को नहीं मिलते। हालांकि क्रेटा और सेल्टोस में टॉप एंड वेरिएंट में आपको 18 इंच ही देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पे टाटा ने बहुत बढ़िया काम किया कि अपनी कर्व ईवी में इन्होंने 18 इंच के टायर देके इसे प्रीमियम गाड़ी बना दिया। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। और यहाँ पे जो टायर भी दिए हैं ना गुडियर के, ये लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले हैं, मतलब इनका फ्रिक्शन कम है, रोलिंग फ्रिक्शन कम है। ग्रिप अच्छी है, रोड के ऊपर जो ग्रिप है किनेटिक फ्रिक्शन वो बढ़िया है, पर रोलिंग फ्रिक्शन इनका कम है, जिसकी वजह से ये कार की रेंज में भी इंक्रीज होगा। और यहाँ पे आपको एरो इंसर्ट देखने को मिलेंगे लोहे के अंदर, जो इसकी एरोडायनेमिक्स को इंक्रीज करते हैं। कार में ना आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगने वाली है कि कहीं पे भी कंपनी ने कोई और कलर का यूज़ नहीं किया, पूरी कार में आपको डुअल टोन ही देखने को मिलेगा, या तो ब्लैक दिखेगा, ये कार का जो अपना कलर है वही देखने को मिलेगा। छत यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट में एम्पावर्ड में आपको डुअल टोन फिनिश में देखने को मिलेगी, ब्लैक फिनिश में, ग्लोसी ब्लैक। पीछे आपको शार्पिन एंटीना मिलेगा और इसके अंदर GPS भी इंक्लूडेड है। और अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, काफ़ी बड़ी लगती है कार देखने में। एज यू कैन सी पीछे की तरफ आपको DRL मिल जाता है, फुल रनिंग DRL। और यहीं से कहीं ना कहीं ये कार Lamborghini Urus की रिसेम्बलेंस प्रोवाइड करती है। पीछे आप देख भी सकते हो पोस्टर लगा हुआ है गाड़ी का। आइए मैं बता दूं, यहाँ LED टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, ORVM मिल जाएगा, ORVM के ऊपर 360 कैमरा की हाउसिंग मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो डोर अजार वार्निंग और आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिल जाएगा कि अगर पीछे से कोई आ रहा होगा तो यहाँ पे ये आपको उसका अलर्ट देगा ORVM के ऊपर ही। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलेंगे। और इस जगह पे आपको मिल जाते हैं फ्लश डोर हैंडल इस गाड़ी के, जिसमें इस जगह पे आपको LED जलती हुई मिल जाएगी। और ये इस डोर पे नहीं, सारे डोर पे है, यहाँ LED है। और इधर की तरफ आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा और आपको करना क्या, अपने हाथों से ये करा, दोबारा दिखा रहा हूँ, वन वे में खुल रहा है। शुरू में अजीब लग सकता है पर एक बार अगर आपको आदत होगी तो आप बहुत जल्दी आओगे। सीधा यहाँ हाथ रखोगे, मतलब इस जगह पे आपका ये पाम आना चाहिए, ऐसे दबाया और ये खुल गया। ये एरोडायनेमिक को इंक्रीज कर रहा है और प्रीमियमनेस भी प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी में। जैसा कि अभी आपने देखा, जैसे हम इसे खोलते हैं लाइट ऑन हो जाती है, जैसे ही बंद करते हैं क्योंकि अंदर ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है तो लाइट इसकी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और यहाँ से अगर मैं लुक की बात करूँ ना, यहाँ से आते 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 कार में हो जाता है मैजिक। SUV कूपे इंडिया में पहली बार, हालांकि सिट्रियन ने बसाल्ट लॉन्च करी है अपनी, पर टाटा की कर्व रो TV प्रीमियम सेगमेंट में SUV कूपे पहली है इंडिया की जो टाटा ने लॉन्च करी। अगर आप देखोगे कौन पहले आया तो टाटा और सिट्रियन दोनों इकट्ठे आए थे, दिखाई पहले सिट्रियन ने, लॉन्च पहले टाटा ने कर दी। तो एक तरह से टाटा ने पहली EV पहली SUV कूपे इंडिया में लॉन्च करी है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। छत आपको ब्लैक कलर की मिलती है और यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिलता है। इसे और बड़ा कर देते ना तो और बढ़िया लुक आ जाती, पर अभी भी बहुत प्यारी लुक लग रही है। यहाँ से 360 डिग्री कैमरा का जो रियर कैमरा की प्लेसिंग है आपको लोगों के साथ ही दी है, विच इज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग कि यहाँ पे अलग से नहीं दिया, नहीं तो लुक खराब हो जाती है गाड़ी की। नीचे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे और उसके भी नीचे आपको LED लाइसेंस प्लेट दिख जाएगी। व्हाइट कलर की लाइटें यहाँ पे प्रोवाइड करी है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और जैसे आप ब्रेक दबाओगे यहाँ पे भी जलेगी और इस तरफ भी। ये तो पूरी Lamborghini Urus, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, पर हाँ यार लग रही है तो लग रही है, काफ़ी प्रीमियम लग रही है गाड़ी देखने से, मज़े आगे देख के। और इस तरफ आपको मिल जाता है रियर डिफोगर गाड़ी का, जो पीछे का ये स्लोपिंग आपको मिरर देख रहे हैं, काफ़ी प्यारा लगता है देखने में। और सारा जादू इसकी बूट कैपेसिटी में, अगर मैं आपको बूट ओपन करके दिखाऊँ, इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जिसे खोलने के चार तरीके हैं, एक तो बटन से, एक आपकी चाबी से, एक आप यहाँ पे ऐसे करके पैर को स्वाइप करोगे तो भी बूट आपका ओपन या क्लोज हो सकता है। बूट का एक बटन लगा हुआ है, उसे दबा के हम बंद भी कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक टेल गेट को बंद करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये करा तो वो बंद होने लग गया पीछे, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। तो चार चार तरीकों से आप बोर्ड को ओपन कर सकते हो, और जो इलेक्ट्रिक टेल गेट दिया ना ये सेगमेंट में फर्स्ट है। क्रेटा सेल्टोस किसी गाड़ी में ये नहीं आता, तो यहाँ पे टाटा जीत गया फीचर्स के मामले में इस गाड़ी से। और क्वालिटी में टाटा ने ना इस बार कोई भी मतलब मौका ही नहीं छोड़ा कि कोई बंदा इन्हें टोंड मारे कि भाई टाटा ने क्वालिटी बेकार कर दिया वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बूट लैंप मिल जाता है और इसे आप खोलोगे तो आपको मैग्नेटिक दिया हुआ है, मैग्नेटिक है और ये फंस भी जाता है। और यहाँ पे अच्छी खासी जगह आपको मिल गई है, आप कुछ भी यहाँ पे सामान रख सकते हो, छोटा मोटा मार्केट से कुछ भी ला रहे हो यहाँ पे भी रखो। एंड सेम आपको इस साइड भी मिल जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने पंचर की ट्रक की हुई है, वो जो एयर कंप्रेशर होता है वो रखा हुआ है, तो आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। अच्छी खासी जगह यहाँ पे प्रोवाइड करी है। इधर की तरफ अगर मैं दिखाऊँ काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आ गया 500 लीटर का। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 16 इंच का टायर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो 215/65R16। मतलब अगर इसकी ऊंचाई मैं बताऊँ ना तो बिल्कुल सेम दी है उसी टायर जितनी, पर दिया वो 16 इंच में और वो अलॉय व्हील भी नहीं है। और यहीं से अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी बूट कैरिंग कैपेसिटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो ये वाली सीट को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे उठा के आगे की तरफ कर देंगे यहाँ से। ये आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा कि सीट ऐसे उठ के फिर आप इसे ऐसे करके फोल्ड आगे कर दोगे, फ्लैट फोल्ड हो जाएगी। और अब आपकी जो बूट कैरिंग कैपेसिटी है वो 900 लीटर होगी। अगर आप उधर की भी बंद कर दोगे तो आपकी 1000 लीटर प्लस की बूट कैरिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब अच्छी खासी यहाँ पे 6 फुट की जगह आ गई। आप अपना मैट्रेस वगैरह बिछाओ, छत खोल के रखो, नज़ारे लो पहाड़ों के वादियों के। जब आपको मन करे कि अब सोना है तो अंदर से बटन दबा के आपका बूट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से सीन, काफ़ी बड़ी जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। यहाँ पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब मैं आपको सीट भी दिखा देता हूँ, रियर सीट भी लगते हैं आप। एज यू कैन सी ये सीट थोड़ी आगे है क्योंकि यहाँ पे गैप है, तो टू वे इसका रिक्लाइन एंगल जो है ना आप एडजस्ट कर सकते हो टू वे में। जैसे एक बार दबाया ये एक बार, और एक बार और दबाया तो और पीछे होगी, इतना सा फर्क है बस। पर फिर भी आप पीछे कर पा रहे हो। रियर हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, डुअल हेडरेस्ट। मिडल के लिए हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करा, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि पीछे वाला शीशा जो है वो स्लोपिंग में है, जिसकी वजह से आगे से जो विजुअल है आपको नहीं दिखेगा पीछे का, तो यहाँ पे रियर हेडरेस्ट मिडल वाला नहीं दिया। आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है डुअल कप होल्डर के साथ, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है ग्रे और वाइट कलर की थीम में। इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैं हाथ चला रहा हूँ, ये फैब्रिक है, बाकी पूरा यहाँ पे आपको, और ये वाला भी फैब्रिक है, बाकी पूरा यहाँ पे लेदरेट अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिलेगी। बट दिस इज नॉट द केस इन द केस ऑफ आईसी वर्जन, उसमें आपको मैरून कलर की अपहोल्स्ट्री मिलती है, वाइन कलर की, और वो पूरी की पूरी लेदरेट मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक टाटा ने दिया है। और जब रियर डोर खोल ही लिए तो रियर डोर की लुक भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ग्लोस ब्लैक फिनिश में बढ़िया सा ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसिंग, यहाँ पे आपको JBL की ब्रांडिंग, JBL का स्पीकर, पावर विंडो का स्विच, किसी भी तरह की इल्यूमिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी टाटा ने। तो ये है रियर सीट दोस्तों, मैं अंदर बैठ गया हूँ, बैठना काफ़ी आसान है, इनग्रेस और रीग्रेस काफ़ी ईजी है गाड़ी में से। इसको मैं बंद करता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें मैं ऐसे करके बैठ सकता हूँ। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे होऊंगा तो अच्छा खासा हेडरूम यहाँ पे मिल जाता है हमें। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि हेडरूम हमें यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है। अब बढ़िया इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे स्कूप्ड आउट करा हुआ ना इन्होंने, तो मेरी हाइट है 5'11", मतलब 6 फीट से सिर्फ 2 सेंटीमीटर कम है मेरी हाइट, तो 5'11" के लिए ठीक है। और वैसे भी जब हम बैठते हैं तो ऐसे करके बैठते हैं, सीट को रिक्लाइन करा हुआ है। और अगर मैं थोड़ा अपराइट एंगल पे बैठूं तो मेरे बाल ऊपर की तरफ टच हो रहे हैं, जो मुझे थोड़ा लगा यहाँ पे। पर क्योंकि SUV कूपे है तो इसमें आपको मिल जाती है स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ की वजह से थोड़ा सा ये चीज़ हो रही है। पर जैसे आप ऐसे बैठोगे तो काफ़ी कम्फर्टेबल होके बैठ जाओगे यहाँ पे। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लेग रूम की बात करूँ तो अच्छी खासी लेग रूम भी आपको देखने को मिल जाती है। ये सीट जो है मेरे हिसाब से एडजस्ट हुई बड़ी, मतलब 5'11" के हिसाब से। और अभी मेरा भाई आगे बैठा है, ये सीट को एडजस्ट कर रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट आपको ड्राइवर वाली मिल जाती है, 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाएगी। पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे LED लैम्प, रीडिंग लैम्प मिल जाएगा, और इधर भी रीडिंग लैम्प। और ये जो ग्रैब हैंडल है ये आपको देखो सॉफ्ट रिट्रैक्टिंग के साथ मिलेगा, मतलब प्यास से पीछे जाएगा। 6 एयरबैग मिल जाएंगे, पीछे भी आप देख रहे हो एयरबैग की ब्रांडिंग है।
और काफी बढ़िया यहाँ पे आपको जगह भी देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी पार्सल ट्रे, आप काफी सामान यहाँ पे रख सकते हो। पर अगर आप यहाँ से लुक देखो कार की तो काफी अलग तरह की लुक आ रही है, नया कंसेप्ट है और मुझे लगता है टाटा को इसमें कामयाबी मिल गई अपने डिजाइन में। बस यहाँ पे थोड़ा हो सकता था कि पैनल वगैरह और अच्छे बना सकता था टाटा। नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एसी वेंट आपको देखने को मिल जाएगा, पीछे की तरफ आपको 45 वोट का यूएसबी सी टाइप देखने को मिलता है, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। फास्ट चार्जिंग यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड करी है पीछे भी और आगे की तरफ भी, अभी हम जब आगे जाएंगे तो मैं आगे का भी आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज यहाँ पे और कोई भी कमी नहीं है, पीछे बहुत बढ़िया बनाया है यहाँ पे। नीचे की तरफ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं मिडल पैसेंजर के लिए तो यहाँ पे काफी छोटी सी टनल देखने को मिलती है, काफी बड़ी नहीं थी, काफी ऊंची नहीं थी, तो अच्छी खासी बात है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं है, यही था पीछे से टाटा कर्व डॉट ईवी। आइए चलते हैं आगे की सीट पे ड्राइवर साइड। तो ऐसा आपको डोर पैनल देखने को मिल जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिए ताकि पीछे के लोगों को वार्निंग मिल जाएगी आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी। हालांकि इसके अंदर कोई लाइट नहीं थी, पर ये भी अच्छा है कि यहाँ पे कोई स्टिकर नहीं दिया, प्रॉपर रिफ्लेक्टर दिया प्लास्टिक का, तो अच्छी लुक दे रहा है। डोर अगर आप देखोगे ना तो जैसे हैरियर और सफारी में पूरा नीचे तक डोर है तो वैसे ही दिए, हर जगह आपको बीडिंग देखने को मिल जाएगी इंसुलेशन के लिए, तो साउंड इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है कैबिन की। एज यू कैन सी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी काफ़ी अच्छी बीडिंग, और नीचे की तरफ भी बीडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप मानो या ना मानो यार, कार में काम तो टाटा ने किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको 450 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी मिलती है। अगर आप देखो तो थार के कंपैरिजन में सिर्फ 200 mm कम है ये, मतलब 20 cm कम है, पर इस कार के हिसाब से ईवी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। आइए चलते हैं ड्राइवर सीट के ऊपर, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो एज यू कैन सी आपको मिलती है 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। ये इसका वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है, इसमें आपको ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलेगी, जिसका बटन इन्होंने यहाँ पे और उस सीट में वहाँ पे दिया। इधर की तरफ आपको एक अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस टच की अम्ब्रेला होल्डर टाटा प्रोवाइड करता है। जो बोतल है ना 1 liter की, वो इस वे में आएगी आपके, इस एंगल में टेढ़ी आएगी, पर आएगी, ऐसा नहीं है, कई लोग कह रहे हैं इसमें जगह ही नहीं है, पर है, ये देखिए फोटो बनी हुई है, 1 liter की बोतल ऐसे टेढ़ी आएगी ये पकड़ने की जगह। और यहाँ पे काफ़ी डीप जगह दी है तो आप कुछ भी सामान छोटे मोटे सिक्के वगैरह कुछ भी रख सकते हो। नीचे की तरफ JBL के स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इस डोर को क्लोज करूँ, अच्छा यहाँ पे जो आपको ग्रैब हैंडल है ना क्रोम फिनिश में मिलेगा, थोड़ा छोटा लगा मुझे, थोड़ा बड़ा भी यहाँ पे दे सकता था टाटा, अदरवाइज सब ओके है यहाँ पे। ये होगी, अब जैसा मैंने सारे विंडोज वगैरह क्लोज करी है ना तो बिल्कुल इंसुलेशन हो गया कैबिन, आपको पता भी लग रहा होगा कि कितना साइलेंट कैबिन है। थोड़ी मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं कार को यहाँ पे स्विच ऑफ कर दूँ, बिल्कुल बंद कर दिया। कह रही है टेक आउट द की फॉब, और नई वाली चाबी की वहाँ पे फोटो बनी हुई आई जो कि बड़ी प्यारी चीज़ मुझे लगी। और मैं निकल के जैसे गाड़ी के अंदर आऊँगा, जैसे डोर खोला तो वहाँ लिखा आ गया डोर खुला हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से बूट खोलूँगा तो बूट भी खुला हुआ दिखेगा। सो दोस्तों मैजिकल थिंग इज कि अभी आपको पता नहीं लग रहा ना कौन से ब्रांड की गाड़ी है, जैसे मैं यहाँ पे ये दबाऊंगा एक बार और यहाँ पे टाटा का लोगो आ जाएगा डिजिटल डिस्प्ले में। गाड़ी को यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी इजी हो जाए, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से सुनो गाइस, तो आपको एक हमिंग साउंड आ रही है ऐसे करके, वो आ रही है आवाज की जो बाहर आपको बोनेट में मैंने स्पीकर दिखाया था। और ये स्टेयरिंग देखो कितना सॉफ्ट हो गया यार, कितना बढ़िया हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं अब आपको ये दिखा दूँ ना, ड्राइवर का 10 inch का डिजिटल डिस्प्ले, स्टेयरिंग तो आपने देख लिया, इधर आपको मिल जाते हैं आपको टेलीफोनी के कंट्रोल, सारे के सारे मीडिया को कंट्रोल करने के बटन, और इधर आपको अडास के बटन मिल जाते हैं, और यहाँ से आप अपना इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कई तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, ट्रिप इन्फो मिल जाता है जिसमें आप ये चेंज कर सकते हो, रेंज वगैरह आ रही है, अभी 48% पे है बैटरी, तो रेंज वगैरह उस हिसाब से दिखा रहा है। ड्राइवर असिस्ट है, ड्राइवर असिस्ट अटेंशन है कि ये मुझे देखेगा कि मैं किस हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने स्टीयरिंग को टाइट पकड़ा कि नहीं पकड़ा, और मेरी लेन चेंज करने की चीज़ों को बताएगी कि ड्राइवर सो तो नहीं रहा कहीं पे। व्हीकल इन्फो आ रहा है, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, जब ड्राइव करेंगे तो दिखेगा। एनर्जी फ्लो है यहाँ पे बढ़िया वाला, और मीडिया के कंट्रोल आ गए सारे के सारे, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। हम नेविगेशन भी चला सकते हो, आपके मैप चल जाएंगे और बहुत प्यारे लगते हैं जब वो मैप चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ ना तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिला है, टेलीस्कोपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसे अभी थोड़ा मिडल में कर रहा हूँ ताकि ठीक रहे।
इधर की तरफ आपको मिल जाते हैं हेडलाइट के कंट्रोल, जिसमें ऑटो हेडलैम्प मिल जाती है, और इधर की तरफ आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल। काफ़ी बढ़िया एरो फिनिश में वाइपर मिलते हैं और रेन सेंसिंग वाइपर आपको देखने को मिल जाते हैं। और इधर की तरफ आप पैडल शिफ्टर जैसी जो चीज़ देख रहे हो ना, रीजन लेवल को इंक्रीज़ करेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर 0 पे भी आप रख सकते हो, जो आपकी बैटरी को चार्ज करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लेदर फिनिश दी है, जिसमें आपको स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी लग रही है। सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी हार्ड है, पर फिर भी फील अच्छी आ रही है। और ये आप देख रहे हो एम्बिएंट लाइट कार की, जो आपको डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा चारों के चारों दरवाजों पे देखने को मिलेगी, और ऊपर की तरफ भी अगर आप देख पा रहे हो सनरूफ के अंदर भी देखने को मिलेगी। पर जैसे आप सनरूफ खोलोगे तो ये वाली जो लाइट है ये बंद हो जाएगी फॉर सेफ्टी पर्पज, कि पानी वगैरह वहाँ पर ना चले जाए। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख लीजिए ड्राइवर एयरबैग की वो लाइट आ रही है, ये भी एक अच्छी लग रही है देखने में। SOS बटन आ जाता है क्योंकि ये एम्पावर्ड प्लस टॉप मॉडल है। यहाँ पे LED आपको कैबिन लाइट देखने को मिल जाती है। इधर आपको वैनिटी मिरर मिलता है विदाउट एनी वैनिटी लाइट, और इधर की तरफ आपको मिलता है मैसिव ग्लव बॉक्स ऑफ दिस कार विच इज कूल्ड ग्लव बॉक्स विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। इधर कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, और दूसरी बढ़िया चीज़ है यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको लैपटॉप होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं। 12.25 इंच की स्क्रीन, जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, 360 डिग्री कैमरा 3D व्यू के साथ, 2D व्यू में भी, और यहाँ पे आप अलग अलग एंगल देख सकते हो, लेफ्ट का हो गया, ये राइट का हो गया, और ये पीछे का हो गया, सारे व्यू आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा ये स्क्रीन है आपकी, JBL का 9 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आप देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पे JBL मूड वगैरह दिए हैं। एयर प्योरीफायर मिल जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह आप देख सकते हो इस गाड़ी में। RK2 TV मिल जाता है, जिसमें आप नेटफ्लिक्स Amazon चला सकते हो जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है। Amazon Alexa वॉइस कमांड मिल जाते हैं। क्लाइमेट के कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हो सारे के सारे। हालांकि यहाँ पे भी टाटा ने फिजिटल बटन दिया, फिजिटल बोलता है टाटा इसे, क्योंकि आधे बटन तो टच सेंसिटिव हैं, बाकी के बटन जो हैं ये वाले दो जो हैं फिजिकल बटन हैं। ये देखिए अप डाउन हो रहा है, और इधर से भी टेम्परेचर को अप डाउन मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ है। और यहाँ पे टच में भी दे दिया, तो जैसे मैं ये देखिए यहाँ से भी कर रहा हूँ ना, तो 7:7 हो रहा है, और यहाँ से माइनस करा तो वो भी 7:7 हो रहा है, बढ़िया चीज़ है ये भी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप बूट ओपन कर सकते हो, ये कार को लॉक अनलॉक करने का बटन, ये 360 डिग्री कैमरा, ये हो गया आपका, देख रहे हो टिप टिप हो रहा है, हजार्ड लाइट का बटन, ये हो गया हिल डिसेंट कंट्रोल, ये हो गया फोग लैम्प का बटन। काफ़ी कंपनीज आजकल क्या कर रही हैं, फोग लैम्प को ख़त्म कर रही हैं गाड़ी में से, पर यहाँ पे टाटा ने फोग लैम्प दिया है। अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पैनल की बात करूँ तो इस जगह पे आपको 45 वाट की USB Type-C USB टाइप है, और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, विच इज़ ए नाइस थिंग। पर यहाँ पे कोई भी मोबाइल रखने की जगह नहीं थी। ये काफ़ी प्यारा इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। पार्किंग मोड है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के फीचर के साथ, और ये आप देख रहे हो मोबाइल चार्ज हो रहा है यहाँ पे, मोबाइल इज चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग पोर्ट। अब ये प्रो मैक्स मॉडल है, बड़ा वाला मॉडल है आईफोन का, तो वो पूरा फिट आ रहा है, तो परफेक्टली इसी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको मोड मिल जाते हैं, इकोनॉमी एक्टिवेटेड, स्पोर्ट्स मोड, ड्राइव मोड, और ये सिटी मोड। आप देख रहे हो एम्बिएंट लाइट का कलर भी चेंज हो रहा है मोड के साथ, पर वो आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। उसके अलावा मूड लाइट की सेटिंग आप देख ही रहे हो यहाँ पे, अलग अलग तरह के आप मूड यहाँ पे लगा सकते हो, सनसेट हो गया, ओशन हो गया, नेचर हो गया, या आप कलर खुद भी चूज कर सकते हो। देखो जैसे ये कलर काफ़ी प्यारा लगता है, सफारी में ऐड भी करा है टाटा ने काफ़ी ज़्यादा इसका, तो सिंक विद म्यूजिक भी, मतलब म्यूजिक के साथ भी ये चेंज होता रहेगा, तो बहुत प्यारी से आपको फील आने वाली है यहाँ पे भी। हेलो टाटा, खुल जा सिम सिम। ओके, सनरूफ खोल रहे हैं, सनरूफ खोल रहे हैं, प्यार से आपको बताएगी गाड़ी। और ये भाई पीछे बैठा हुआ है, ये देख के खुश हो रहा है कि सनरूफ खुल रही है भैया। और यहाँ पे मैं बोलूंगा हेलो टाटा, सनरूफ को बंद कर दो। ऑलराइट, सनरूफ बंद कर रहे हैं। आए हाय, क्या बात यार, बहुत मजे आ गए ये चीज देख के। काफी अच्छे से वर्क कर रही है, मतलब जैसे MG ऐड करते थे ना कि हमारी कनेक्टेड कार है, इंटरनेट कार है, अपना वाईफाई, ये देखो यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं पूरे, ये टावर बने हुए मोबाइल टावर, तो कनेक्टेड कार है, टाटा की कनेक्टेड कार फीचर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ मिल जाता है आपको आर्मरेस्ट, जो कि लेदर फिनिश में आपको देखने को मिलेगा, और अंदर अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। अब मैं आपको जगह दिखा देता हूँ, ये जैसे मैंने बोला प्रो मैक्स है, तो ये प्रॉपर अंदर आ गया, इसके जैसे 3-4 और आ जाएंगे तो बढ़िया लग रहा है ये भी।
बस कमी क्या है कि यहाँ पे कोई भी कप होल्डर वगैरह नहीं दिया, और टाटा कह रहे हमने दिया है यहाँ पे। मुझे हालांकि इतना यूजफुल नहीं लगता वहाँ पे कप होल्डर देना, पर फिर भी चलो दिया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हालांकि और कोई कप होल्डर वगैरह यहाँ पे नहीं दिया। और अगर मैं आगे की स्पेस की बात करूँ ना, एज यू कैन सी अच्छा खासा हेडरूम है यार, अच्छा खासा। अब देखो कार के पास लोग निकल रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाता है क्योंकि पार्किंग सेंसर ऑन है। मैं चाहूँ तो इन्हें ऑफ भी कर सकता हूँ। और इस जगह पे आपको मिल जाता है ऑटो डिमिंग IRVM, रात को मतलब कोई हाई बीम पे आएगा तो ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। मुझे लगता है अपने सेगमेंट की बेस्ट कार है। और अभी दोस्तों ये लॉन्च हुई है इंट्रोडक्टरी प्राइस के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 17.49 लाख एंड गोइंग अप टू 21.99 लाख फॉर दिस वेरियंट विच यू आर सीइंग इन दिस वीडियो। एंड थैंक्स टू दादा मोटर्स, लुधियाना में है ये टाटा का शोरूम, इनके काफ़ी सारे शोरूम हैं। दादा मोटर्स ने मुझे यहाँ पे अलाउ करा वीडियो बनाने के लिए, तो इनका तो ग्रेट थैंक्स है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। और अगर आपको अच्छी डील चाहिए इस गाड़ी पे, पूरे इंडिया में बेस्ट प्राइस आपको दादा मोटर्स ही दे पाएगा। ज़रूर विजिट करो लुधियाना में ढोलेवाल चौक के पास। और यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय।